खरगोन के समीपस्थ ग्राम नागझिरी में शनिवार को संत बोंदुरु बाबा समाधि स्थल पर ऐतिहासिक मेला लगा। इस अवसर पर सैकड़ों संतानहीन महिलाओं ने कच्ची केरी से गोद भराई की गई। मन्नत पूरी हो जाने पर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने मन्नतें भी उतारी। समाधि के पुजारी संतोष शर्मा ने बताया कि भादो मास की नवमी को दुर्लभ कच्ची केरी से महिलाओं की गोद भराई रस्म पूर्ण की गई। जिले के व्यापारियों ने मेले में अपने प्रतिष्ठान लगाए। बच्चों ने मेले में आए झूलों का खूब लुत्फ उठाया। सेवादारों ने बताया कि लगभग 500 से अधिक केरियाँ विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है। मात्र 25 वर्ष की आयु में संतश्री ने ग्राम में समाधि लेने के पश्चात सोमवंत 1790 में प्रतिवर्ष अनुसार एक दिवसीय मेले का आयोजन होता है। महाराष्ट्र नवागांव से आई प्रियंका अग्रवाल, दिल्ली से नंदनी सिद्धार्थ, छत्तीसगढ़ दुर्ग की सजल उज्ज्वल जैन ने बताया कि हमें रिश्तेदारों ने बाबा की महिमा का पता चला। हम आशा लेकर आए हैं कि हमारी कामनाएं बाबा के यहाँ मिले प्रसाद से जरूर पूरी होगी। यहाँ लोगों को मन्नत उतारते देख हमें विश्वास है कि संत श्री अन्य दंपतियों की तरह हमारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ बच्चे की मन्नत उतारने आए, यहाँ पे क्या मान्यता है? यहाँ की मान्यता है संत बोंदुरु बाबा जो नवमी तिथि के दिन का यहाँ पे मेला भराता है और काफ़ी प्रसिद्ध निमाड़ में है। मेरा भी क्या एक बालक की मन्नत थी और बालक नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे हमने बाबा की मान ली थी और उसी का परिणाम है कि मेरा बेटा वो हुआ और उसके आज हम मन्नत उतारने यहाँ पे आए हैं बोंदुरु बाबा के। क्या मान्यता है यहाँ की? मान्यता यह है कि यदि किसी को यदि गर्व से नहीं होता है तो यहाँ पे बोंदुरु बाबा के वो आम होता है, वो आम उनको प्रसाद स्वरूप खाना पड़ता है और उसके बाद ये चमत्कार होता है और मैं वो चमत्कार का साक्षी हूँ। ये मेरा बालक कितने समय बाद हुआ? शादी के 4 वर्ष बाद। कच्ची केरी चढ़ा? हाँ कच्चे केरी। क्या इलाज भी कराया उसके बाद भी? हाँ नहीं, इलाज भी कराया था उसका कोई वो नहीं हो रहा था, पर क्या है कि बोंदुरु बाबा की जो मान्यता हमने सुना था और हम आए थे यहाँ पे और उसी का परिणाम है कि बाबा ने हमारे सुनने और आज हम मन्नत उतारने यहाँ पे आए हैं नागिरी। क्या नाम लिखते हैं? भोलू कर्मा। यहाँ पर पहुँचे हैं बाबा के समाधि स्थल पे आज। वैसे तो देखिए यहाँ पे आते रहते हैं, इनके बारे में पता नहीं था और अब जब आए हैं इस बार तो रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे तो उन्होंने बताया और शादी को भी 4 से 5 साल हो गए हैं और बहुत जगह इलाज भी करवाया है लेकिन बेनिफिट नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे आए हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ देख के तो लग रहा है कि ज़रूर कुछ ना कुछ होगा और एक पॉजिटिव वाइब आ रही है अंदर से कि अगर यहाँ पे कुछ होता है तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब अगर यहाँ पे आता है तो किस प्रकार की महिमा सुनी थी आपने? हमने को नहीं, मतलब यही सुना था कि यहाँ पे जो भी मतलब आता है बाबा जी के यहाँ पे एक अलग सा प्रसाद चलता है, फल का फ्रूट का प्रसाद चलता है बाबा जी के यहाँ पे। जो भी लेडी गर्भवती होना चाहती है मतलब उनके यहाँ पे बच्चे नहीं होते हैं वो प्रसाद लेते हैं और उससे उनको फ़ायदा होता है। तो हमें भी यही एक होप है और हम भी यही उम्मीद से आए हैं कि हम भी प्रसाद लें और हमें भी एक अच्छा रिजल्ट मिले। कैसे पहुँचे आप यहाँ पे? हमारे मतलब यहीं पे एक पास में गांव है, यहाँ पे हमारे चाचा जी रहते हैं और उन्हीं ने बताया था यहाँ पे हमें कि यहाँ पे ऐसा ऐसा दरबार है और आप यहाँ पे आके एक बार हाजिरी लगाइए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा नाम सिद्धार्थ है, दिल्ली से हम लोग आए हैं यहाँ पे। कहाँ से पहुँचे और क्या मान्यता जी? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़। हम दिल्ली से आए हैं, हमें हमारी शादी को अभी 5-6 साल लगा है। हम संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे आए हैं, हमने बहुत सुना है, बहुत आस्था है यहाँ, इसीलिए हम वही देखने आए हैं कि यहाँ बहुत सुना था यहाँ के बारे में। हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत लोग आ चुके हैं पहले भी तो हमसे उनको सुनने में मिला तो हम यहाँ पे आए हुए हैं और हम आशा करते हैं कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। क्या मतलब इलाज करवाया आपने बहुत साल से? इलाज हमने करवाया था, 8 साल हमने इलाज करवाया, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाया। बाबा से उम्मीद है आप? बाबा से उम्मीद। क्या नाम लिखता है? उज्ज्वल जैन। क्या सुनने को मिला था आपको? यहाँ पे संतान क्या करते हैं आपके हस्बैंड और आप क्या करते हैं? तो हाउस वाइफ हैं और जो भी आता था ये जो कार्य में पर आए हैं किस लिए आए हैं? संतान प्राप्ति के लिए आए हैं। यहाँ हमने सुना है बहुत कि यहाँ से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। हमारी शादी को 4-5 साल हो गए हैं इसलिए हम हर जगह दिखाकर
हम अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं बोंद्रू बाबा के नाम से सुनने के कि यहाँ से संतान प्राप्ति होती है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? हम तो हाउस वाइफ हैं और हमारे हस्बैंड रिसेप्शनिस्ट हैं नंदिनी। यहाँ पर पहुँचे हैं मन्नत के लिए, यहाँ पर पहुँचे हैं संतान आपको क्या क्या कहना? हम दिल्ली से आए हैं, हमने बहुत सुना है बोंद्रू बाबा के नाम का, इसलिए हम यहाँ पे हमने संतान के लिए बहुत सुना है कि हमें संतान प्राप्ति होती है यहाँ से, इसलिए हम यहाँ पे एक फल दिया जाता है वो हम यहाँ पे हम खाने आए हैं। शादी को 2-3 साल हो गए हैं ऑलरेडी और यहाँ पे रिलेटिव भी रहते हैं। हमारी शादी को अभी 5वां साल लगा है, हमने बहुत हम लोग महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर से हैं नवापुर से, हम लोगों को किसी ने बताया कि बाबा जी की बहुत महिमा है इसलिए हम लोग वहाँ से आए। क्या सुना था? कि उनके प्रसाद से फर्स्ट टाइम में मतलब प्रेगनेंसी रह जाती है इसलिए बहुत कराया, डॉक्टरों के ट्रीटमेंट भी कराया और किसी ने जो भी भगवान का बोला सब कुछ कराया। अभी क्या मान्यता लग रही है? देख के तो लग रहा है बहुत अच्छा है। पहली बार आए? हाँ फर्स्ट टाइम। क्या नाम आपका? नाम क्या है? प्रियंका अग्रवाल, नवापुर नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से। संत बोंद्रू बाबा जो नवमी तिथि के दिन यहाँ पे मेला भराता है और काफ़ी प्रसिद्ध निमाड़न है, मेरा भी क्या वो एक बालक की मन्नत थी और बालक नहीं हो पाता था, यहाँ पे हमने बाबा की मान ली थी, उसी का परिणाम है कि मेरा बेटा छोटा हुआ, उसके आज हम मन्नत उतारने यहाँ पे आए हैं। क्या मान्यता है यहाँ की? मान्यता ये है कि यदि किसी को यदि गर्भ से नहीं होता है तो यहाँ पे बोंद्रू बाबा के एक आम होता है, तो आम को प्रसाद स्वरूप खाना पड़ता है, उसके बाद ये चमत्कार होता है और मैं चमत्कार का साक्षी हूँ। शादी के कितने समय बाद हुआ? शादी के 4 वर्ष बाद। क्या इलाज भी करा उसके बाद भी? हाँ इलाज भी कराया था, उसका नहीं हो रहा था, पर क्या है कि बोंद्रू बाबा की जो मान्यता हमने सुना था और हम आए थे यहाँ पे, उसी का परिणाम है कि बाबा ने हमारे सुनने पर आज हम मन्नत उतारने यहाँ पे आए हैं। क्या नाम लिखता है? ओलू कर्मा। कहाँ से पहुँचे हैं आप और बाबा की महिमा के बारे में आपने सुना और यहाँ पर पहुँचे हैं? हम लोग महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर से हैं नवापुर से, हम लोगों को किसी ने बताया कि बाबा जी की बहुत महिमा है इसलिए हम लोग वहाँ से आए हैं। क्या सुना था आपने? कि उनके प्रसाद से फर्स्ट टाइम में मतलब प्रेगनेंसी रह जाती है इसलिए हम आए हैं। आपने इलाज कराया? बहुत कराया, डॉक्टरों के ट्रीटमेंट भी कराया और किसी ने जो भी भगवान का बोला वो सब कुछ कराया है। अभी क्या मान्यता लग रही है? देख के तो लग रहा है बहुत अच्छा है। पहली बार आए? हाँ फर्स्ट टाइम आए। नाम क्या है? प्रियंका अग्रवाल। कहाँ से? नवापुर नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से आप पहुँचे हैं यहाँ पर? दुर्ग छत्तीसगढ़। क्या मान्यता लेके आए हैं? हम लोग की शादी को 5 साल हो गए हैं, हम लोग यहाँ की महिमा बहुत सुने थे कि यहाँ पे जो आते हैं उनकी गोद भर जाती है, हम लोग इसी उससे आए हैं। मेडिकल इलाज करा चुके हैं बहुत कुछ बट कोई रिजल्ट नहीं मिला, आशा है कि यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। भीड़ देख कर क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? सबकी मनोकामना पूरी होगी, महिमा बहुत है यहाँ बाबा की। कैसे जानकारी आपको प्राप्त हुई यहाँ की? रिलेटिव बताए थे कोई। तो कितने शादी को कितने साल हो गए? 5 साल। क्या इलाज करवाया आप? हाँ बहुत कुछ करा चुके हैं इलाज। क्या आस्था आती है भगवान का? इसके बाद कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या नाम है? सजल जैन। जी हम छत्तीसगढ़ दुर्ग से आए हैं और बहुत सुना था यहाँ के बारे में, हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत लोग आ चुके हैं पहले भी, तो उनसे हमको सुनने में मिला तो हम यहाँ पे आए हुए हैं और हम आशा करते हैं कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। क्या मतलब इलाज करवाया आपने? इलाज हमने करवाया था, 5 साल हमने इलाज करवाया तो उसमें कुछ प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो बाबा से उम्मीद है। उज्जवल जैन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।